वेलकम टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा। आज का क्लास है मिसलेनियस प्रॉब्लम मैथ क्वेश्चन आरआरबी एलपी यूपीपी वन डे एग्जाम किसी भी लिए। मेरा चैनल है सक्सेस मंत्रा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जितनी भी मैं वीडियो डाल सकूँ उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बिना समय का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स के एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो एक रूट हो पाँच, तो बताइए कि के का मान क्या होगा। प्लीज़ गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स के एक्स प्लस फाइव बराबर जीरो, एक रूट फाइव हो तो बताइए कि के का मान क्या होगा। ओके, हम लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा रूट मान के और एक डायरेक्ट के एक्स का मान दिया हम लोग को इक्वेशन में रूट का पुट करा के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए दोनों दिखाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स के एक्स प्लस फाइव बराबर जीरो, कह रहा है एक रूट पाँच हो तो हमने मान लिया अल्फा बराबर क्या है, एक रूट लेट कर लिया फाइव है, ठीक। तो हम इसका निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाई ए। ओके, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाई ए, तो इसमें मैं अल्फा की वैल्यू रखता हूँ कितनी, फाइव प्लस बीटा इक्वल टू आएगा माइनस का बी। कितना यहाँ से जैसे ए की वैल्यू हम लोग निकालेंगे इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, तो ए की वैल्यू आएगी वन, बी की वैल्यू मेरी आएगी माइनस सिक्स के और सी की वैल्यू आएगी फाइव। ओके, अब इसमें पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस बी माइनस हो जाएगा प्लस, यानी सिक्स ए बाई वन हो जाएगा फाइव प्लस बीटा की। उसके बाद इसमें बताइए के का मान पूछ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, तो अल्फा की वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे फाइव प्लस फाइव इंटू बीटा बराबर सी की वैल्यू कितनी है फाइव बाई वन, यानी यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन, ये फाइव से फाइव कैंसिल, बीटा की वैल्यू आ जाएगी वन। बीटा की वैल्यू जब वन आ जाएगी, बीटा की वैल्यू वन, इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा फाइव प्लस वन बराबर सिक्स के, तो ये कितना हो जाएगा सिक्स बराबर सिक्स के, तो यहाँ सिक्स सिक्स कैंसिल हो गया, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन, ये मेरा आंसर हो जाएगा। या तो ये फर्स्ट मेथड था, सेकंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स के एक्स प्लस फाइव बराबर जीरो, इसमें हम लोग क्या करेंगे सेकंड मेथड में एक्स वैल्यू जो एक रूट फाइव दे रहा है इसमें पुट करा देंगे एक्स बराबर फाइव रखने पर। ओके, जैसे हम लोग फाइव रखेंगे तो पाँच के स्क्वायर माइनस सिक्स के इंटू फाइव प्लस फाइव इजकल टू जीरो, ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स फाइव जो थर्टी के प्लस फाइव बराबर जीरो। अब इसको सॉल्व करें, पच्चीस और पाँच तीस माइनस थर्टी के बराबर जीरो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा थर्टी इजकल टू थर्टी के, इसको और सॉल्व कर देंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन। देखिए दोनों तरीके से वन आ रहा है, जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दे रहा है मेरा, कॉस थीटा प्लस एक थीटा इजकल टू फाइव बाई टू, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे कॉस थीटा प्लस एक थीटा बराबर फाइव बाई टू, उसके बाद क्या करेंगे इसका दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड। जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस टू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ओके, उसके बाद ये फाइव बाई टू का स्क्वायर करोगे तो पच्चीस बटे कितना हो जाएगा चार। अब इसको सॉल्व कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखो कॉस थीटा जो कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा का अपोजिट होता है वन अपान सेक थीटा, तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा और सेक थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा दो बराबर क्या हो जाएगा पच्चीस बट्टे चार। ओके, अब इसमें इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर पच्चीस बट्टे चार, पच्चीस बट्टे चार माइनस टू, ये दो को इधर भेज देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा पच्चीस माइनस एलसीएम इसका चार हो जाएगा, एलसीएम इसका फोर हो जाएगा, फोर टू जा एट, पच्चीस माइनस एट बट्टे चार तो ये कितना हो जाएगा पच्चीस में आठ जाएगा तो आंसर कितना है सत्रह बट्टे चार, ठीक सत्रह। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वाले का कौन सा ऑप्शन सही होता है, सी ऑप्शन सही था। ओके, ये हो गया मेरा सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
थर्ड क्वेश्चन है, यदि 6.4 का होल स्क्वायर माइनस 5.4 का होल स्क्वायर अपन 8.9 का होल स्क्वायर प्लस 8.9 इंटू 2.2 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर हो बराबर x हो, तो x का मान ज्ञात, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये नीचे लिखा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हम लोग नोट करते हैं 6.4 ब्रैकेट बड़ा वाला लगा के माइनस 5.4, ये हो गया हमारा ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी कर लो तो 6.4 प्लस 5.4 अपान ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए कैसे लिखा है 8.9 का होल स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 22 को लिख सकते हैं 1.1 प्लस ए इंटू 8.9 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर। ओके अभी देखिए लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी नीचे वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर ये सॉल्व करोगे 6.4 में से माइनस 5.4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 4 माइनस 4 0.6 माइनस 5 1 बचेगा, यानी 1 आ जाएगा। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 448 और 65 11 11.8 आ जाएगा। अपन ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8.9 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर तो जाए सिर्फ 11.8, अपन इसको लिख सकते हैं 9 1 10 कर 0, हाथ में आई 1 8 1 9 और 1 हासिल हो जाएगा 11, और एक अंक के बाद दशमलव तो लगा देते हैं। ओके नहीं 8 1 9 1 10 हो जाएगा, सॉरी 10, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा उसके बाद 11.8 अपन 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके उसके बाद इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.2 अंक के बाद लग जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.118 आंसर इसका हो जाएगा। ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूट बराबर हो तो बताइए सी का मान कितना होगा। रूट कह रहा बराबर हो, यानी जैसे पहले हम लोग रूट मानते थे अल्फा और बीटा, ये कह रहा है दोनों आपस में क्या है बराबर, अल्फा बराबर है बीटा। ओके तो चलिए हम लोग नोट करते हैं, पहले क्वेश्चन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हमें दिया है, कह रहा है इनके रूट बराबर होते, रूट बराबर है यानी अल्फा बराबर बीटा है, तो इसमें निकालते हैं जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बाई ए। ओके तो अल्फा के जगह पे हम बीटा के जगह पे क्या करते हैं अल्फा पुट कर देते हैं, तो अल्फा प्लस अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस का बी बाई ए, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बराबर माइनस का बी बाई ए। एक इक्वेशन बना लिए, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल, अल्फा की वैल्यू आ जाएगा माइनस का बी बाई 2a। ओके ये एक इक्वेशन मेरा हो गया। अब यहाँ से ये तो सम ऑफ रूट्स, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। ओके अब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट में बीटा की वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे अल्फा, तो बराबर सी बाई ए, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सी बाई ए। ओके अब क्या करेंगे, इसमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है, सी का मान पूछ रहा है, तो इक्वेशन वन से अल्फा की वैल्यू रख देंगे, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस का बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पे ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का, जैसे ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी माइनस का बी स्क्वायर को इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए। ओके अब ए से ए के कैंसिल हो जाएगा तो सी की आंसर कितनी हो जाएगी, सी बराबर आ जाएगा मेरा, सी बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर अपान 4a, यही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन इसमें कौन सा है, बी स्क्वायर अपान 4a, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके गाइस अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, थैंक यू गाइस, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा।